वाह वाह री नॉर्मलाइजेशन, अब तो हद कर दी आपने। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि जैसे कि आपने देखा होगा, वर्ग 3 का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें रिजल्ट में जिसके अंक 75 थे उसके 54 कर दिए गए हैं, सीधे 51 नंबर 21 नंबर कम कर दिए नॉर्मलाइजेशन में। जिसके अंक 82 थे उसके 64 कर दिए गए हैं, 18 अंक कम कर दिए गए। जिसके अंक 61 थे तो 36 कर दिए गए हैं, 25 अंक कम कर दिए गए। इसलिए एकाएक मेरे मन से निकला, वाह वाह रे नॉर्मलाइजेशन, अब तो हद हो गई, या तो अब तो हद कर दी आपने। जो मैंने जानकारी दी है, यदि आप इस जानकारी को PDF के रूप में चाहते हैं या जानकारी का स्क्रीनशॉट चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो वास्तव में हकीकत है कि नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 4 या 5 अंक घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी अभ्यर्थी के अंक 20-21 घटते हैं या बढ़ते हैं तो ये तो अति हो जाती है, ये तो हद हो गई। इस प्रकार तो कभी कोई जान ही नहीं पाएगा कि हमारे अंक कितने इतने हैं, अब हमारे अंक कितने बचेंगे। इस प्रक्रिया में तो छात्रों को कभी विश्वास नहीं होगा कि हमारा होने वाला क्या है। आप विचार करिए, एक बार सोचिएगा, किसी अभ्यर्थी के अंक 110 नॉर्मलाइजेशन होने पर वह 20 कम कर देते हैं, 90 अंक आ जाते हैं, तो उसके साथ क्या गुजरेगी यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे अच्छा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही बंद हो। नॉर्मलाइजेशन विषय कठिन था, टफ था, तो आप 10-5 मैक्सिमम 7-8 अंक मानते कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकती है, लेकिन ये तो हद हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा, वाह वाह रे नॉर्मलाइजेशन। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दीजिए, साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में नंबर बताइए कि आपके साथ नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, आपके अंक बढ़े हैं कि घटे हैं। नमस्कार मित्रों।